Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. Beta ji, आज का आपका 11th class का second chapter start होने वाला है, that is atomic structure. और बेटा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ that this chapter is very very important. और I can say this chapter is your foundation. ये foundation है, जैसे मूल concept था बेटा जी, ऐसे ही ये वाला जो chapter है, ये बहुत ही foundation chapter है. आप इसको करकर ही जो अगला चैप्टर है या केमिस्ट्री है आप सीख सकते हो, ठीक है. और जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो लेट मी टेल यू, यू विल रियलाइज दिस, दैट दिस इज नॉट अबाउट ओनली अ चैप्टर. ये सिर्फ एक चैप्टर के बारे में नहीं है, ठीक है. जो आप कुछ पेजेस पढ़ोगे, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बेटा, इट इज अ जर्नी. जर्नी जर्नी कब से, जब से हमने एटम को डिस्कवर किया, हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एटम होता है, और अब तक जब तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, मेसॉन्स, इवन जो क्वार्क, क्वार्क आपने सुना होगा बेटा जी, अभी जो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या बोले इन्वेंट हुए हैं, ठीक है, उनको क्वार्क बोलते हैं. तो यहां तक का जो सफर है, ये जर्नी है उसकी, कि कैसे कैसे हमने एक सफर को स्टार्ट किया था जहां पे हमें सिर्फ, हमें शुरू में कुछ नहीं पता था. Then we got to know about atoms. और फिर धीरे 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 स्टडी करके हम कहां तक पहुंच गए बेटा जी, क्वार्क तक पहुंच गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंच गए. हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं और उससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां तक पहुंच गए, ठीक है. सो दिस इज अ जर्नी. अब इस जर्नी का आपको क्या करना है बेटा जी, आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, इसको रटेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है. बिकॉज इससे जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा जी, वो बड़े ना कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होंगे, तो जब आपके दिमाग में यहाँ बैठा होगा तभी आप इनको कर पाएंगे, ठीक है. तो आप ये वाला जो लेक्चर है इसको बस आप आराम से सुनिए, ठीक है, आराम से सुनिए और समझिए. आपको लगता है तो कुछ कुछ जो पॉइंट्स है वो आप जो भी नोट्स है वो आप उनमें लिख सकते हो, जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो. बट आई विल रिकमेंड यू कि बड़े आराम से, ध्यान से बस इस लेक्चर को समझना है. ये नहीं सोचना कि इससे पेपर में क्या आएगा, क्या सोचना है कि पहले हमें समझना है. बिकॉज ये वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इट इज नॉट सर्टेन कि आएगा ही, ओके, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पर करना जरूरी है. बिकॉज बेसिक अगर वीक रह गया तो ऊपर बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं बेटा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को. और इसमें ना मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगी बेटा जी कि अभी हम यहाँ इस वाले पार्ट पर पहुंचे, अभी हम इस वाले पार्ट पर पहुंचे हैं. तो सबसे पहले हम वो पार्ट स्टार्ट करते हैं आज से 2600 साल पहले, जब हमें हमें ना एटम के बारे में पता था, ना मॉलिक्यूल के बारे में पता था. वी डिडंट न्यू एनीथिंग, हमको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, कि कैसे केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, क्या होता है. तो बेटा जी, इंडिया के एक, मतलब हमारे भारत देश के एक महर्षि थे, महर्षि कणाद, ठीक है. महर्षि कणाद ने कणाद सूत्र लिखी, कणाद सूत्र लिखा बेटा जी, उन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में, और उसके अंदर एटॉमिक थ्योरी दी सबसे पहले, सबसे पहले दुनिया को ज्ञान दिया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में. बट यू नो, हम लोगों को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, है ना. तो हमने पूरी थ्योरी दी थी सबसे पहले महर्षि कणाद ने, ठीक है, आज से 2600 साल पहले. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लेकिन हमने पूरा क्रेडिट किसको दे दिया, डाल्टन को दे दिया, ठीक है, डाल्टन को. ओके, सो डाल्टन ने हमें पढ़ाया क्या जाता है आपकी बुक्स में, कणाद का नाम कहीं पर भी नहीं होगा बेटा जी, महर्षि कणाद का नाम नहीं होगा, बट डाल्टन का नाम सबने पढ़ा है. डाल्टन को आप 9th में पढ़कर आए हो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी. अब समझने की बात क्या है कि सबसे पहले किसने दी थी बेटा जी, कणाद ने, लेकिन हम पढ़ते किसका नाम है, डाल्टन का. डाल्टन वॉज द ब्रिटिश स्कूल टीचर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इंग्लैंड की तो बहुत चलती है ना, ठीक है, इंग्लैंड के ही अंडर थे जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी क्लेम किया था कि ये मैंने दी है, ठीक है. तो उस वक्त हम क्या थे बेटा जी, ब्रिटिशर्स के गुलाम बने हुए थे, भारत देश क्या था, गुलाम था, ठीक है. आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्ला 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 ये वो, ठीक है. तो हम तब क्या थे, गुलाम थे. अब उस वक्त डाल्टन ने क्लेम कर दिया कि भाई मैंने एटॉमिक थ्योरी दी है और हमने मान भी लिया, ठीक है, हमने मान भी लिया. आज तक भी हम वही पढ़ा रहे हैं,
महर्षि कनाद का नाम तो हम भूल ही गए, ठीक है, जबकि देखिए हमारा हेरिटेज कितना ग्रेट है। पर चलिए चलते हैं आगे। देखिए बेटा जी, जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, ये वही थ्योरी है जो आप 9th में पढ़कर आए हो कि जो एटम है, ठीक है, इसको बांट नहीं सकते, इट इज इनडिविजिबल, यानी कि एटम उसने सबसे छोटा बना दिया। भाई डाल्टन ने क्या बोला, एटम से छोटा कुछ भी नहीं, एटम को एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, उसने ये बोला कि एटम्स को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी एटम को हम बांट नहीं सकते, ठीक है, डिविजिबल नहीं है। एक पोस्टुलेट क्या दिया, एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट बता रही हूं कि बेटा जो ये पूरा, कि मान लीजिए सपोज ऐसे समझिए पूरा बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड में जो ये मिडिल वाला पार्ट है इसके सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, यानी कि अगर कोई सेम मैटर है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा जी, सेम होंगे, और कोई डिफरेंट मैटर है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा जी, डिफरेंट होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एटम क्या होंगे बच्चे, डिफरेंट होंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। उन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, एटम से मिलकर क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमने 9th में अच्छे से पढ़ा है। हमने 9th में अच्छे से क्या नहीं पढ़ा, डाल्टन के ड्रॉबैक नहीं पढ़े, ठीक है, तो हम वो देखते हैं बेटा जी। अब डाल्टन का क्या ड्रॉबैक था, सबसे पहले ये समझते हैं बेटा जी, जो हमने मूल कॉन्सेप्ट किया है, मूल कॉन्सेप्ट में हमने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन याद आ रहे कुछ तुमको, लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इन सबको तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या करती है, फॉलो करती है। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये बोलने की वजह से कि जो एटम्स होते हैं दे आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, कि एटम को हम बांट नहीं सकते, ये बोलने की वजह से बेटा जी क्या हुआ कि जब हमने देखा कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या कोई इबोनाइट का रॉड हो गया, ठीक है, इबोनाइट की रॉड अगर मान लीजिए मैं सिर्फ पर उसको थोड़ा सा रब करूं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा जी, वो उसकी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो ये क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, डाल्टन, किससे, अपनी थ्योरी से। क्लियर हो रही है बात बेटा, समझ में आ गई, ओके चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको डाल्टन के ड्रॉबैक बता दिया, अब तो भी 9th वाली पूरी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, बट बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी था। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखिएगा बेटा ये हमने ड्रॉबैक पढ़ लिए, अब हम आगे कहानी सुनते, इसको ना ट्रीटेड एज अ स्टोरी, अब स्टोरी की तरह लिखिए इसको बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा जी, उस वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, कुछ ग्रीक के थे बेटा जी, ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर्स थे जो फिलोसफी देते हैं, वो लोग थे, ठीक है, और इंग्लैंड के बहुत ज्यादा थे, भारत से ना उस वक्त पर बहुत कम थे, बिकॉज आपको पता ही है कि हम लोग क्या थे उस वक्त, गुलाम थे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम बेटा जी, जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टडीज आगे बढ़ने लगी तो एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, माइकल फैराडे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्या, माइकल फैराडे, आप इनको फिजिक्स में भी बहुत पढ़कर आए हो, और डोंट वरी आप इनको केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ोगे अगले साल, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तो आप फैराडे के लॉस से मिलोगे। अब बेटा जी हुआ, जो फैराडे थे, ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो ड्रॉबैक था कि भैया ये इबोनाइट की अगर जो रॉड है उसको अगर मैं सेल पर थोड़ा सा क्या करूं, रब करूं, तो वो मतलब उसके अंदर ना कुछ इंटरैक्ट होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब माइकल फैराडे क्या स्टडी कर रहे थे, समझ, माइकल फैराडे वो स्टडिंग कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कोई बीकर है, बीकर में पानी है, ठीक है, बीकर में पानी है, ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट माने मान ली नमक डाल दिया आपने, ऐसे समझ लिया, तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आयंस होते थे ना बेटा जी, आयंस होते थे, ठीक है, तो यहां से क्या था उसको ना थोड़ा मतलब ही वॉज वर्किंग ऑन इट, इन एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे थे, आयंस चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का अभी अपने माइंड में ये लेकर चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी हमें पता नहीं है कुछ होता है, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चल रहा था कि भाई
कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेटल डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री आयरन, अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का प्लस थ्री है और तीन इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाता है। अब ये हमें प्रैक्टिकल में पता चल रहा है, ये उनको नहीं पता, बेचारे को इस वक्त नहीं पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज है, समझ लो ही वाज वर्किंग ऑन इट, इस पर काम कर रहे थे, सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिसिटी देना लेना सेल्स इन पर काम कर रहे थे। अब समझिए बेटा, अभी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये तुम्हें पता है क्योंकि हम बहुत साल आगे का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन इज देयर, बट अभी ना फैराडे को पता है ना डाल्टन को पता, समझ लो। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है, अब हुआ क्या बेटा जी, उस वक्त शॉक चढ़ गया सबको, एक कैथोड रे ट्यूब थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है भाई, इस पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरी साइंटिस्ट वॉज डूइंग इट कि कहीं कुछ मिल जाए, ठीक है, माइकल फैराडे ने भी काफी मतलब जो ट्यूब थी इस पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा ध्यान था, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इज कि जो आपके साइंटिस्ट थे कौन, जेजे थॉमसन, ठीक है, जेजे थॉमसन, जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत शायद 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो उन्होंने क्या किया बेटा जी, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, आपको उधर फोटो नजर आ जाएगी बेटा जी, कैथोड रे ट्यूब की इधर थोड़ा मैं भी बना देती हूँ, ठीक है, होता क्या है बेटा जी, यहाँ पर ये दो प्लेट लगी होती है, ये दो प्लेट लगी होती है, इधर होती है हाई वोल्टेज, यहाँ क्या देते हैं बेटा जी, हम हाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, इधर ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, जो नेगेटिव प्लेट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए वहां पर होगा, नेगेटिव प्लेट को बोलते हैं हम कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं एनोड, ठीक है, इसको हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था और इधर हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था बेटा जी, जिसको भी ना मान लीजिए नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अब व्हाट हैपेंस, यहां पर हमने क्या कर लिया बेटा जी, इसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इस तरीके से ये एग्जिट बना दिया कि अब यहां से क्या कर सकते हैं, हम गैस को बाहर निकाल सकते हैं, इन प्रेशर को कम या ज्यादा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा बेटा जी, जैसे ही कैथोड रे ट्यूब देख ले हम, ठीक है, सब कुछ बना हुआ है, हाई वोल्टेज है, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, देखिए बेटा कैथोड एनोड कुछ और नहीं है, कैथोड एनोड सिर्फ क्या है बेटा जी, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, मेटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप समझिए ऐसे जैसे मेटल का प्लेट, ठीक है, एक तरफ एक मेटल की प्लेट लगी है, दूसरी तरफ दूसरी मेटल की प्लेट लगी हुई है, एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ऊपर हमने वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर सके हम, उसमें प्रेशर को मेंटेन कर सके, हमने इसलिए एक एग्जिट पॉइंट दिया है वहां से, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं बेटा जी, प्रेशर को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते, ठीक है, चलिए आपको उधर बिल्कुल अच्छी पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, आप देखते हैं बेटा जी, देखो अब हुआ ये कि जैसे ही वोल्टेज दी जाती है तो वोल्टेज देने पर हुआ ये कि जो माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां, माइकल फैराडे के जैसे काम, ठीक है, उन्होंने देखा बेटा जी कि यहां से ना कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, यहां से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं, और इधर ना मतलब उनको ना भी सिर्फ रियलाइजेशन हुई है कि जैसे मैंने वोल्टेज दिया था तो यहां से इस तरफ कुछ गया था, कि बस ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन आ रहा है उनको कुछ अंदर से, ठीक है। अब उन्होंने अपनी इंट्यूशन को चेक करने के लिए क्या किया कि बेटा उन्होंने इस ये जो एनोड है इसको परफोरेटेड कर दिया, परफोरेटेड का मतलब होता है छेद कर दिए बेटा जी, इसमें थोड़े थोड़े छेद कर दिए, देखो मैंने ना थोड़ा ऐसे कर दिए, थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी गई है, परफोरेटेड इसमें थोड़े क्या कर दिए बेटा जी, होल्स कर दिए, ठीक है, ताकि अगर जा रही हो तो इससे रुके ना, ठीक है, क्या निकल जाए इसकी पार निकल जाए, ठीक है। अब पार में निकल जाए तो उन्होंने सोचा कि पीछे ना एक काम कर दो, पीछे कैसा मटेरियल लगा देता हूँ जिस पर क्या हो, जब जब ये पड़े इसके ऊपर,
इसके पीछे रवि पड़े बेटा जी, तो क्या करें क्या करें, एक कुछ मुझे कुछ पता चल जाए, मतलब पढ़े तो स्पार्क कर दे, ठीक है, कुछ लाइट हो जाए, कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो उन्होंने बेटा जी क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी, यहाँ ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी, विच इज जनरली ZnS, जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी, सभी को याद है कि हमारे पास जब हम छोटे छोटे थे, ठीक है, सभी के साथ हुआ होगा ये, तो लाइट में चमकने वाली चीजें हुआ करती थी, या वॉच हो गई, या फिर कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट जो लाइट में, मतलब अगर लाइट बंद कर दे तो वो चमकता है, ग्लो करता है, ठीक है। टैटूज भी हुआ करते थे, याद आ रहा है, टैटूज जो अभी भी याद आते होंगे शायद, ये ऐसे करके ये पोकेमोन, ठीक है, क्या कर गया डरा लिया, पोकेमोन ही याद आता है यार हमारे टाइम पे, टॉम एंड जेरी पोकेमोन, ठीक है। अब बताओ, सोचा है ना, देखा है ना उन सबको तुमने, चलो ठीक है, देखा तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा मैं अगले दिन टैटू लगा के ना, मेरे पास बहुत सारे टैटू रखे हैं, मैं लगा के उनको दिखा दूंगी। तो अब समझना, देखो बेटा, जो वो टैटूज होते थे, या फिर आई टॉक अबाउट घड़ी होती थी, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो ग्लो करता है, मतलब लाइट बंद करने के बाद में क्या करता है, वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता था, हाँ नहीं पता ना, क्या होता था, नहीं पता, नहीं पता, अरे नहीं पता यार, किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने अपने बड़े भैया से पूछा कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये रेडियम है, इसके अंदर रेडियम लगा हुआ है, रेडियम चमकता है, सबको ये पता था रेडियम चमकता है, मैंने मान लिया रेडियम चमकता है। लेकिन बड़े टाइम बाद जब मैं खुद पढ़ने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर रेडियम होता तो मैडम क्यूरी तो मर गई है ना, भाई मैडम क्यूरी जो है वो उनके ऊपर जो रेडियो एक्टिव देश थी बेटा जी, वो डिस्कवरी कर रही थी, तो उनकी डेथ हो गई थी इससे, अब हम क्यों नहीं मरे, मेरे दिमाग में ये आया। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करने में पता चला कि नहीं भाई, हमारा पागल बनाया गया था, वो रेडियो एक्टिव रेस नहीं होती है, क्या होते हैं वो, रेडियो रेडियम नहीं होता है, वो होता है फ्लोरोसेंट मटीरियल ZnS, ठीक है। तो पता नहीं होता था, तो बस हमें ये पता था रेडियम है भाई चमक, ठीक है, वैसा नहीं है, क्या होता है अपने छोटे भाई बहन को पागल मत बना, हाँ रेडियम होता है, क्या होती है फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब होता है कि अगर उस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेटा जी, वो थोड़े ना एक दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्लोरोसेंस एक फास्ट फ्लोरोसेंस, जो फ्लोरोसेंस होता है बेटा जी वो फास्ट प्रोसेस है, जो फास्ट फ्लोरोसेंस होता है वो स्लो प्रोसेस है। अगर आपको कभी मतलब हायर स्टडीज का मौका मिला तब केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको ये जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्लोरोसेंस और फास्ट फ्लोरोसेंस क्या क्या अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोनों का, ठीक है, एक फास्ट है, एफ से याद रख सकते हो फास्ट, और फास्ट फ्लोरोसेंस क्या है बेटा जी, स्लो प्रोसेस होता है। तो बेटा होता है क्या है कि भाई वो ना लाइट से धीरे 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 क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप उस घड़ी को, ठीक है, आप लाइट पर रखोगे तो वो एनर्जी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहेगा, और फिर क्या करेगा लास्ट में धीरे 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 इमिट करता रहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा बेटा जी कि ये ग्लो कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअली रेडियम नहीं है, वो इसलिए ग्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो एक और चीज बेटा, अगर आप उस वॉच को या जो भी है आपके पास में, आप उसको लाइट में मत रखो, तो ऐसे समझिए बेटा जी क्योंकि उसको लाइट नहीं मिली ताकि उसके इलेक्ट्रॉन अप जा सके, ठीक है, अप जा सके, तो इसीलिए वो चमकना बंद हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने वर्किंग तुम लोगों को गलत बता दिया, अभी तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता चला है ना तुम लोगों को, एक काम करो वर्किंग भूल जाओ, ठीक है ना, वर्किंग को भूल जाना, फास्ट फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस कैसे काम करता है हम कभी अलग से पढ़ा लेंगे। आप चलिए आगे आ रहे हैं, ये मैंने क्या लिया, पीछे एक कोटिंग लगा दी। अब बेटा जी बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि क्या होता है कि जैसे आप वोल्टेज को ऑन करते हो, ठीक है, आपको फोटो नजर आ रही होगी बेटा, तो जैसे आप वोल्टेज को ऑन करोगे तो नेगेटिव जो प्लेट थी उससे कुछ, अब हमें वो वेव्स दिखाई नहीं दे रही है, दे आर नॉट विजिबल, तो क्या हुआ बेटा जी, वो उधर से चली, और चलने के बाद में क्योंकि एनोड क्या था, परफोरेटेड था, यानी कि बीच में होल्स थे, तो क्या किया बेटा जी, वो दूसरी तरफ कोटेड मटेरियल पर जाकर लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा जी, स्पार्क हुआ, ठीक है, स्पार्क हुआ मतलब वहां पे ग्लो हुआ, स्पार्क माने ग्लो समझिए आप, कि उधर क्या हुआ, ग्लो हुआ। अब ग्लो की वजह से हमें पता चलता है कि यहां से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकला है जो इस तरफ गया है, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा जी क्योंकि
ये कैथोड जो कैथोड रे है बेटा जी किससे निकली है, कैथोड की प्लेट से निकली है, ठीक है। इसीलिए क्या माना गया, क्या कहा गया इनको, इनको क्या बोला गया बेटा जी, कैथोड रेज। क्या बोला, कैथोड रेज, क्लियर। चलो और आगे चलते बेटा जी, अब इनको कैथोड रे बोल दिया, अब इनकी ना प्रॉपर्टी समझिएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से निकली थी। अभी समझना, हमें ये नहीं पता कि इनका नाम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो बाद में रखा गया, कॉन्सेप्ट इनका नाम कुछ और रखा था, कुछ स्टोन ही आए थे उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, हमें याद नहीं करना है ये, ठीक है। तो बस ऐसे नॉलेज बता दी मैंने, ऐसे रटना नहीं है आपको, ठीक है। तो डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने डिस्कवरी की। अब यहां समझिएगा पहली प्रॉपर्टी कि बेटा जी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से निकल रही है, यानी कि कैथोड से निकल रही है, विच वॉज नेगेटिव, तो यानी कि इन पर ऐसा हो सकता है, ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि इन पर चार्ज क्या हो बेटा जी, नेगेटिव, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। चलिए फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई सीधी सीधी ट्रैवल करती है क्या, तो हाँ बिल्कुल पता चला कि जो कैथोड रे होती है बेटा दे ट्रैवल, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी सीधी जाती है, ठीक है। चलिए ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, ट्रैवल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट 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 एस एस स्ट्रेट लाइन, वेरी सॉरी बच्चा, मैंने ना पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है, तो मैं कभी ना भूल जाती हूँ, हाइस्ट में आ जाती हूँ, मैं हाइस्ट एम्पलीट्यूड में आ जाती हूँ, मेरी भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है थोड़ा सा। चलो वापस आते हो, सॉरी अभी तो तुम्हें एम्पलीट्यूड नहीं पड़ा, दूर गई पहले आने वापस। चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं बेटा जी, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा जाते हैं। अच्छा आप आगे चलते बेटा जी, हमने क्या किया, हमने ना इन पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर देखा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाकर देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हुआ क्या बेटा जी, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम लगाओगे, मान लीजिए इधर से ये जो रेज है, ठीक है, समझिएगा ये जो रेज है इन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए उधर पॉजिटिव टर्मिनल है, उधर नेगेटिव टर्मिनल है, और आपको पता है बेटा जी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये तो बड़ा फेमस कोट है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, और लाइक रिपेल, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों सेम चार्जेस होंगे या सेम पीपल होंगे तो दे विल रिपेल, और ऑपोजिट होंगे बिल्कुल तो दे अट्रैक्ट। अब यहां समझिएगा, तो जब हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इनका बिहेवियर क्या था कि जहां पर पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा था ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही, तो यहां से कुछ लगा कि हाँ भाई पक्का नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, उधर पॉजिटिव टर्मिनल है, और इधर जो इनका डेविएशन है जो स्ट्रेट लाइन में अभी तक चल रही थी वो क्या हो गई, वो डेविएट हो गई, और किस तरफ चली गई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसके तरफ थोड़ा सा डेविएट हो गई। क्लियर बच्चा, बात समझ में आ गई, ओके। तो बेटा जी ये पक्का हो गया था कि आप ये जो है ये क्या है बेटा जी, नेगेटिव है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया था कि इन पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ओके क्लियर। चलो आगे पोस्टुलेट पर, अगले पोस्टुलेट पर बढ़ते हैं। अब बेटा जो हमने इसके अंदर जो डिस्चार्ज जो कैथोड रे ट्यूब है इसके इस पर ये जो कैथोड बनाई है हमने इसके मटेरियल पर कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इसके मटेरियल पर कैथोड रे डिस्टर्ब सॉरी कैथोड रे जो है डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे इस मटेरियल के मान लीजिए मैंने एक बार एल्यूमिनियम लिया, आप दूसरा मेटल ले लीजिए, ठीक है, तो कैथोड रे का नेचर चेंज नहीं होगा, जैसी पहले निकल रही थी वैसे ही आप भी निकलेंगी। तो इससे मान लिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, समझ लो बेटा जी, जब रदरफोर्ड पर लोगे ना तो आपको ये कैथोड रे और एनोड रे का जो कहूं मैं प्रॉपर्टीज है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों था कि ऐसा इस पर मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है।
चलिए, तो डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की बेटा जी मटीरियल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते. क्लियर होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया. अब बेटा जी जे.जे. थॉमसन ने बिल्कुल डिस्कवरी कर दी किसकी? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और नाम जो दिया था वो मैंने बता दिया आपको, स्टोनी ने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा जी. अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है ना, इससे सभी मतलब ऐसे लगी कि सारे जितने भी साइंटिस्ट थे इसकी जे.जे. थॉमसन की इस डिस्कवरी के बाद में सभी लग गए कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए क्या, पता है ना, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी यहाँ से क्या हो गई, गलत हो रही है. डाल्टन की थ्योरी क्या थी, याद करिए, डाल्टन की थ्योरी क्या थी कि एटम को बांट नहीं सकते. लेकिन ये क्या कह रहे हैं बेटा जी कि एटम से छोटा भी कुछ है, है ना, पता चल रहा है धीरे धीरे कि एटम से छोटा भी कुछ है. तो ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट पर लग गए. ठीक है, तो अगले साइंटिस्ट जो थे बेटा जी, अगले साइंटिस्ट जो थे, He was working on cathode ray tubes also, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने E by M ratio calculate किया. ठीक है, E by M ratio उन्होंने क्या किया बेटा, calculate किया. Okay, देखिए जो scientist थे बेटा जी वो cathode ray tube पर काम कर रहे थे. अब ये जो cathode ray tube है जो हमने यहाँ देखा है, ये भी ऐसी ही tube है, और आपको यहाँ पर बेटा जी फोटो नजर आ रही होगी. ठीक है, फोटो दिखा दीजिए इनको. आप देखिएगा यहाँ जो फोटो आपको नजर आ रही होगी, तो वो कुछ फोटो कुछ ऐसी होगी, मैं अपने लिए बना देती हूँ. ठीक है, कुछ ऐसी होगी बेटा जी, और ऐसे थोड़ा ये ऐसे बड़ा हो रहा है. ठीक है, ये ठीक है. अब देखिए बेटा जी, ये जो आपको फोटो पीछे नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये जो है बेटा, इसको हम कैथोड रे ट्यूब आपको पता ही है, इसको पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज जो पुराने टीवी हुआ करते थे, पुराने टीवी याद है तुमको? नहीं याद है? जो मतलब तुम्हारे दादा दादी के टाइम पे होगा. ठीक है, मैंने भी पुराना टीवी देखा है, अब तो खैर घर में इतनी इशू होगा इतना पतला. ठीक है, पहले जो टीवी हुआ करते थे बेटा जी, सामने से स्क्रीन बहुत बड़ी और पीछे बहुत उसका मतलब हिस्सा निकला हुआ है, टीवी का पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा हुआ करता था. आपको नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा तो प्लीज गूगल कर लेना, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर ट्यूब बनी आ रही है, तो गूगल करके देख लेना एक बार पुराने टीवी का. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर ट्यूब बनी हुई है बेटा जी, ये दिस इज मतलब रियलिटी में ये पिक्चर ट्यूब है, और जो कि पुराने टीवीज में यूज हुआ करती थी. नाउ टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट. अब समझिएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर बेटा जी. आप देखेंगे तो एक तरफ एनोड लगा हुआ है और दूसरी तरफ सॉरी एक तरफ कैथोड है, और उसके आगे क्या लगा है? एनोड लगा है. ठीक है, अब दोबारा वही है, हायर वोल्टेज का वायर है. ठीक है, आप समझिए इसको कनेक्टेड है हायर वोल्टेज से. अब यहाँ देखिएगा आगे जो इसमें चेंजेस है वो ये है कि यहाँ पर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी जगह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, यानी कि दोनों के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. ठीक है, आप समझिएगा जैसे आप वोल्टेज ऑन करोगे, ठीक है, तो वोल्टेज के ऑन करते ही क्या होगा कि आपको पता है कि कैथोड से कुछ रेज निकलेंगी जो कहां जाएंगी बेटा? एनोड की तरफ जाएंगी, राइट. अब कैथोड से रेज निकली और जो कि किस तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है. अब यहां समझिएगा हुआ ये एक्सपेरिमेंट में कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया और मैग्नेटिक फील्ड कम कर दिया, देखते हो ऊपर नीचे वाला जो फील्ड है वो बढ़ा दिया. जब बढ़ा दिया तो आपको पता है उधर से जो रेज आ रही है उन पर चार्ज कैसा है? अभी निकाला था बोलो, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, नेगेटिव है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया है, यानी कि ऊपर क्या है? पॉजिटिव प्लेट है, नीचे क्या है? नेगेटिव प्लेट है. और मैंने कहा था ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. ठीक है, अगर ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, जो नेगेटिव रेज होंगी, वो किस तरफ डेविएट होंगी? पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो जाएंगी. ओके, और वो कहां पर बढ़ेगी? पॉइंट ए जो आपको नजर आ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं तो वो पॉइंट ए पर नजर आती है. नजर मतलब कि ए पॉइंट पर जो होगा बेटा जी वो वहां पर जाकर ज्यादा डेविएट होंगे और ए पॉइंट पर जाकर मिलेंगे. क्लियर बच्चा? समझ में आया? अब यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा जी? कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया
तो अब बेटा जी को नेगेटिव का इतना आंसर होगा उधर से भी नेगेटिव है नीचे नेगेटिव है ना, बट नेगेटिव का आंसर होगा नहीं बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वेरी वीक है, बहुत वीक है। तो फिर जो जो नेगेटिव कैथोड रेस थी वो कहां पर आएंगी बेटा जी, पॉइंट सी पर आएंगी। क्लियर इतनी बात है ना, बात समझ में आ गई। और अगर दोनों दोनों इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने दोनों को बराबर कर दिया बेटा जी तो पॉइंट सी पर आएंगी। या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, बिल्कुल ना किया, या तो बराबर कर दो या ना कर दो। बराबर कर दोगे तो नलिफाई हो जाएगा, ना करोगे तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा जी, ठीक है, अप्लाई मत करो आप दोनों फील्ड को। तो क्या होगा बेटा जी, बिल्कुल सीधी आकर लगेगी, ठीक है। और बेटा जी इसी से पिक्चर ट्यूब से पिक्चर बनाई जाती थी जो पहले टीवी आया करते थे, ठीक है, उनके अंदर इसी से पिक्चर का डेवलपमेंट हुआ करता था, जो फोटो बनती थी पूरी नाचते हुए गाते हुए, ठीक है, क्लियर। चले अब बेटा यहां से हम निकाल कर क्या लेकर आए, यहां से हम निकाल कर जो लाए थे वो था E by M रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया था। वैल्यू डोंट वरी आपको याद नहीं करनी, ठीक है, नहीं करे बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे करनी है, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप याद रखें, दैट्स ओके। आप देखिएगा बेटा जी अब ये जो E by M रेशियो है ये हमने निकाल लिया, ठीक है, मैं वैल्यू लिख देती हूँ 1.7 × 10^-11, ठीक है, और क्या हो गया बेटा जी इलेक्ट्रॉन का और कूलम किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, चार्ज हो गया कूलम किलोग्राम इनवर्स। अच्छा बेटा ये पूरी वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, कोई फायदा नहीं। अब आगे आते हैं बेटा जी, ये था मेरा E by M का रेशियो। अब बच्चा जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो क्या किया बेटा जी, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे मुलिकन, ठीक है, मुलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या था, ऑयल को बेटा जी एटमाइजर से तोड़ लिया था, ठीक है, और इससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला था। क्या निकाला था, चार्ज निकाला था, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज निकाला गया बेटा जी, ठीक है, वो क्या था 1.6 × 10^-19 कूलम्स, ठीक है बेटा जी, ये प्रीवियस था, अब जो है वो इतना है 1.022 × 10^-19 कूलम, ठीक है। अब देखना बेटा जी ये जो है ये नया चार्ज है, नेगेटिव आप लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये पुराना है ये नया है, ये बेटा जी डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस आ गया बेटा जी क्योंकि धीरे धीरे ना डिस्कवरीज बढ़ती जा रही है तो हम जो वैल्यू है उसको और करेक्ट करते जा रहे हैं इसीलिए। पर डोंट वरी आपको यही वाला चार्ज यूज करना है बिकॉज जो है करेक्शन जो है बहुत कम का है, ठीक है, और हमें हाथ से ही कैलकुलेशन करनी है बेटा जी, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, तो इसलिए आप ऊपर वाला वैल्यू यूज कर सकते हो सारे सवालों में। अब हुआ ये कि जब मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को निकाल लिया तो हमने क्या किया बेटा जी, उस चार्ज को हमने यहां रख दिया तो मैं मास को कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट, जो मास आया इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आ गया बेटा जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। देख रहे हो मास कितना कम है बच्चा, देख रहे हो, चलो वेरी गुड। अब यहां से हमें क्या पता चल गया बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता चल गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पता चल गया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या किया बेटा जी हमने, एक तो सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी कर दी, किसने, जे जे थॉमसन ने बेटा जी। ना एक कोट याद रखेंगे आप क्योंकि आपसे ना इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा, आपसे डिस्कवरीज पूछ सकते हैं किसने क्या दिया, ठीक है, तो आप एक चीज याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, ये सिंपल है, पहले बनाया था बहुत पहले, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने, ओके थॉमसन, और ये हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी बेटा जी रदरफोर्ड ने, ओके, और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, हिंदी में लिख रही हूँ मैं भी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी बेटा जी चार्ड ने,
बेटा जी उन्होंने क्या किया था, मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, बहुत ज्यादा आपको उसकी जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उन्होंने क्या किया था बेटा जी, अल्फा पार्टिकल्स डाले थे बेरिलियम की शीट पर, जिससे पता चला था कि हाँ ये कैसा पार्टिकल है जिस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही क्या है बेटा जी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो डिस्कवरी हो गई किसकी, न्यूट्रॉन की। ओके, इलेक्ट्रॉन का हमें पता चल गया बेटा जी, किससे पता चला, कैथोड रे ट्यूब से पता चला, और कौन सी रेज थी, कैथोड रेज थी। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या होते, समराइज कर रही हूं ये सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, और उस पर चार्ज क्या था बेटा जी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या था, 1.6 × 10⁻¹⁹ आप पुराना ही यूज करें दोनों, और जो मास है वो क्या है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ठीक है, अब आते हैं बेटा जी सब एटॉमिक पार्टिकल में, हमें दो पार्टिकल के बारे में तो हमने जान लिया। आप साइंटिस्ट वॉज वेरी क्यूरियस, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया बच्चा कि साइंटिस्ट का सब में भूल लगे कि पता नहीं कैथोड रे ट्यूब से और क्या क्या मिल जाए, क्योंकि अभी तो इतना लिमिटेड हो गया। अब उस वक्त हम लोग भी होते तो सोचते ना कि पता नहीं और कौन सी चीज जो होगी वो एटम में होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोबारा से जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स पर, मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे बेटा जी, तो क्या हुआ, उससे क्या डिस्कवरी हुई कि इस बार जो रेस थी जो निकली वो एनोड से निकली, और एनोड से जो रेज निकली थी उनका जो नेचर था बेटा जी वो इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पर आप देख रही हो फोटो मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि आप फोटो देखेंगे बेटा जी इसकी एक्सपेरिमेंट की, दिस वाज टू सिमिलर भी है। अब क्या होगा बेटा जी, एनोड से क्या निकलेंगी बेटा, रेज निकलेंगी किसकी तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अब जो रेज निकल रही थी वो रेज इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड करती थी। ठीक है, कि कैसा मटेरियल है उस पर वो रेज डिपेंड कर रही थी। उनका जो चार्ज था बेटा जी वो बिल्कुल ऑपोजिट था इससे, इलेक्ट्रॉन से। कैसे पता चला कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे हमने पहले अप्लाई किया था बेटा जी, तो वो पॉजिटिव की तरफ नहीं, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, नेगेटिव की तरफ अटैक हो रही थी, जिससे कि हमें पता चला कि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, जिसको क्या नाम दे दिया गया बेटा जी, प्रोटॉन नाम दे दिया गया। क्लियर हो गई बात बच्चा, ये यहां तक जो हमने किया दिस वाज ऑल डिस्कवरी। ठीक है, ये पूरी डिस्कवरी थी किसकी, किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये डिस्कवरी थी। अब देखो चार्ज यहां से पता लगा सकते हो, कितना चार्ज होगा बेटा जी बोलो, यहां पर नेगेटिव एयर है, यहां पर नेगेटिव एयर है, तो इसका क्या हो गया बेटा जी, यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। बेटा जी जो चार्ज की यूनिट होती है दैट इज कूलम्स। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। क्लियर, अच्छा बेटा यहाँ पर मैं इसका मास और बता दूं, यही चीज इम्पोर्टेंट है इसके, मतलब ये पूरा मोटिव आप समझ गए कि आपको यही सिखाना, इसका जो मास है बेटा जी वो है 1.6 × 10⁻²⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है, 1.6 × 10⁻²⁻²⁷ किलोग्राम। और बेटा जी जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनका मास भी क्या होगा, इतना ही होगा, इसका मास जो होगा That would be 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। और जो चार्ज होगा बेटा जी, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्लियर बेटा, हाँ आपको क्लियर हो गया बेटा, इतना जी इतना अच्छे से, यही आपको मतलब अपने साथ जो है इस लेक्चर की समरी यही लेकर जानी है। ठीक है, और बाकी जो समझाया गया आपको सबको वो सब बस आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं। ठीक है, आपने इतना कर लिया, अगर इससे रिलेटेड बेटा जी आपको कोई भी डाउट आता है देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हुआ जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक।
तब तक के लिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।